लखनऊ का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज योग कर रहे हैं। अगला आसन पादहस्तासन, जिन लोगों को कमर से जुड़े हुए समस्याएं हैं वो लोग इस आसन को ध्यान पूर्वक करेंगे। जहां तक उनको समस्याएं इत्यादि नहीं है वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। पादहस्तासन स्थिति में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से कुछ इस प्रकार से उठाते हैं। श्वास छोड़ने के एहसास के साथ अपने सामने की तरफ सुविधा अनुसार स्थिति तक पौधों को झुकाते हैं। कुछ सेकेंड के लिए पौधों में स्थिर बने रहेंगे। उधर क्षेत्र से जुड़े हुए पायों को जनरेट करता है आसन, साथ ही साथ आपकी जंघाओं की पायों को शिथिल फ्लेक्सिबल करता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस हाथों को साइड से धीरे धीरे अगली स्थिति, पैरों के बीच में 2 इंच का गैप रखते हुए दोनों हथेलियों को इस प्रकार से अपने कठिन क्षेत्र पर अरेंज करेंगे। श्वास भरने के एहसास के साथ अपनी गर्दन को पीछे की तरफ और अपने कमर को आगे की तरफ पुश करते हुए अर्ध चक्रासन स्थिति, कमर के लिए बहुत फायदेमंद स्थिति। जागरूकता श्वास के द्वारा बनाए रखेंगे, श्वास भरते रहेंगे भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सामान्य स्थिति की तरफ लाएंगे। हाथों को धीरे धीरे डाउन करेंगे। तो पादहस्तासन स्थिति हम लोगों ने यहां से बताऊं फिर अगले प्रक्रम के लिए सर्वप्रथम आप सभी लोग अपने दाएं पैर को अपनी दाहिनी तरफ खोल लेंगे। दाहिने पंजे को दाईं तरफ घुमाते हुए श्वास भरने के एहसास के साथ दोनों हाथों को कंधों के समानांतर स्ट्रेच करते हुए हथेलियां सामने की तरफ, श्वास छोड़ने के एहसास के साथ अपनी दाईं तरफ झुकते हुए अपने ऊपरी हाथ के अंगूठे को स्पर्श देखते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस दाहिने पंजे को सीधा करेंगे। बाएं पंजे को बाईं तरफ घुमाते हुए इस तरीके से श्वास छोड़ने के एहसास के साथ बाईं तरफ झुकते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस पंजा सीधा स्थिति समान। यहां से हम लोग बैठने की स्थिति की तरफ चल रहे हैं। तो बैठने की स्थिति के प्रक्रिया करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग अपने पैरों को कुछ इस प्रकार से सामने की तरफ सीधा करके बैठ जाएंगे। प्रथम आसन दंडासन, हम लोग एक दंडासन स्थिति को बना रहे हैं जहां पर हथेलियां आपकी कमर की अगल बगल, हाथों की ताकत से पैरों कमर को बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करते जाएंगे। शुद्ध देव आसन स्थिति को बनाने की कोशिश करेंगे। बैक बोन को काफी प्रभावशाली तरीके से दृढ़ करती है ये प्रक्रिया, साथ ही साथ शारीरिक दृढ़ता को भी बढ़ाती है। दंडासन स्थिति के पश्चात अगला प्रक्रम दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाते हुए इस प्रकार से अपनी एड़ियों को अपने मूल क्षेत्र के नजदीक ले जाते हुए ये भद्रासन स्थिति है। यहाँ पर हम लोग एड़ियों को मूल क्षेत्र के पास रखे अपने घुटनों को जमीन की तरफ बेहतर स्ट्रेच करके सीधे बैठने की कोशिश करते हैं। भद्र का अर्थ है दृढ़, ये शारीरिक दृढ़ता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रभावशाली आसन है। भद्र आसन श्वास पर श्वास सामान्य स्थिति में कुछ देर के लिए बनी हुई।